नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मोनिका सचदेवा, मेडिकल डायरेक्टर प्रावी हॉस्पिटल। हमें यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पे और फ़ोन कॉल्स पे काफ़ी कॉमन क्वेश्चंस आते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना उन पे डिस्कस करके ये जानकारी आप सबसे शेयर की जाए। कई बार एक महिला की प्रेगनेंसीज हो जाती है, डिलीवरीज हो जाती हैं और उनकी ट्यूबल लाइगेशन, जिसको हम नसबंदी भी कहते हैं, वो हो जाती है। किसी और वजह से, किसी पारिवारिक वजह से, किसी पर्सनल इशू से महिला को दोबारा माँ बनने की इच्छा जागती है या परिवार दोबारा माँ बनने के लिए उनको कहता है। अब ट्यूबल लाइगेशन, जिसे हम महिला की नसबंदी भी कहते हैं, एक तरह का परमानेंट बर्थ कंट्रोल मेजर होता है, जिसमें ट्यूब्स को बांध के उसके को दिया है बाई मॉडिफाइड पोमोलॉयस टेक्निक। ऐसे बहुत सारी तकनीकें हैं, लैप्रोस्कोपिकली होता है, ओपन सर्जरीज में भी होता है। अब इसके बाद लगभग ट्यूब का वापस जोड़ना नामुमकिन होता है। अब माँ कैसे बने, ये सवाल सबके मन में होता है। इसको लेकर के काफ़ी क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं, तो मैंने सोचा इसके लिए एक छोटा सा वीडियो बना देते हैं। हमें पता है एग और स्पर्म का जो फर्टिलाइजेशन है, जो मिलना है, वो ट्यूब में होता है और भ्रूण बन करके वो भ्रूण वहाँ से बच्चेदानी में आता है और बच्चेदानी में प्रेगनेंसी विकसित होकर के नॉर्मल डिलीवरी अथवा ऑपरेशन से बच्चा होता है। ये एक नॉर्मल सा नियम है, हम सबको पता है। अब ट्यूब ही अगर बंद है तो कैसे होगा? उसके लिए एक सर्जरी होती है ट्यूबल रिकनलाइजेशन की। ये एक तरह की माइक्रोस्कोपिक सर्जरी होती है, जिसमें ट्यूब्स को के दोनों एंड को जोड़ा जाता है और उसको वापस से अटैच करते हैं और उसको एक कॉमन सी पाइप बनाते हैं। इस सर्जरी की सक्सेस रेट दोस्तों बहुत ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि जो अंदर माइक्रोस्कोपिक रेशे हैं उस ट्यूब में, वो वापस से रीजनरेट ज़्यादातर नहीं हो पाते। इसके अलावा जो मोस्ट इफ़ेक्टिव तरीका है ऐसे केसेस में जहाँ पे नसबंदी हो चुकी है और दोबारा महिला को माँ बनना है, वो है IVF, क्योंकि IVF में ट्यूब का काम IVF लैब करती है। हम एग्स को विकसित करके एग्स को लेते हैं, स्पर्म को लेते हैं, IVF लैब में उनको फर्टिलाइज करते हैं और भ्रूण हम आपकी कोख में डाल देते हैं। तो अगर मैं रैंकिंग करूं, नंबर वन पे बच्चा बंदी के ऑपरेशन के बाद, ट्यूबल लाइगेशन के बाद, फीमेल नसबंदी के बाद IVF ही बेस्ट ऑप्शन है माँ बनने के लिए। अगर IVF की आपकी इच्छा नहीं है तो आप लैप्रोस्कोपी के द्वारा ट्यूबल रिकनलाइजेशन के प्रोसीजर के लिए जा सकते हैं। रिजल्ट के चांसेस IVF में भी ज़्यादा हैं। नमस्कार।